बिहार में आमतौर पर छात्र छात्राएं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सरकारी विभागों में चपरासी से लेकर क्लर्क और आईएएस आईपीएस तक बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलती है तो निराश हो जाते हैं और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन हमारे सामने अनुराग रंजन बीटेक चाय वाले एक उदाहरण है, और आज आपके सामने है ये बीटेक चाय वाले अनुराग रंजन की दुकान। यहाँ पे 17 तरह की चाय मिलती है, और खास तौर पे चाय पियो और कप खा जाओ चॉकलेट चाय भी यहाँ पे उपलब्ध है। चाय को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रमोट करते हैं। ये बात से पहली बार ही मैं यहाँ आया हूँ, और पहला सिप लेने के बाद ही मुझे जो अनुभूति हुई है कि यहाँ जो चाय बन रही है वो वाकई स्वादिष्ट है। आज वो दौर आ गया है जब भारत में हम सभी नौकरी की तलाश में भटके या इधर उधर घूमें, ये उचित नहीं है। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित, जहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने फर्म के खुद मालिक हैं, दूसरों को रोजगार देकर आगे बढ़ाएं। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले अनुराग दरभंगा के भटियारी सराय में ये चाय की दुकान चलाते हैं, और यहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान है, तो छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, इनसे अपने जीवन के अनुभव भी शेयर करते हैं, सिलेबस पर भी चर्चा होती है, विषयों के क्वेश्चंस का भी समाधान अनुराग करते हैं, और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, गाइड का भी काम करते हैं। अनुराग रंजन भाई, ये हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है, इंस्पायर्ड होते हैं। ये बीटेक किए हुए हैं, उसके बाद भी चाय बेचते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जैसे कि अपने इंडिया में देखते हैं कि नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन सब चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनसे अलग अलग बिजनेस आइडियाज शेयर करते रहते हैं, हम सब ये बताते हैं कि कैसे आगे कर सकते हैं, तो हम लोग हर एक टॉपिक पर होता है। जैसे कि ये जो है हमारे भाई, वो इंजीनियरिंग के टॉपिक पे, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन जैसे कि पेंसिल कैलकुलस इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, सब पे हम लोगों का डिस्कशन चलते रहता है। बहरहाल हम भी सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, हमारा भी काफ़ी कैलकुलस हो जाता है, बातचीत होता रहता है। कहते हैं जब तक शिक्षा का मतलब होगा नौकरी पाना, तो समाज में नौकर पैदा होगा मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाएगा, जीवन भर खुश रहेगा। मैंने अपने जब कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा से बीटेक किया, तो वह मैडम ही मैंने से जॉब वाला ही था, जॉब सीकर ही था। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपका नीड पूरा होगा, न कि आपका ड्रीम पूरा होगा। ड्रीम पूरा करने आपके लिए आपको बिजनेस करना होगा। कहां से आपने पढ़ाई की और क्या? मैं चंडीगढ़ से पढ़ाई किया, डिप्लोमा से बीटेक। किस इंस्टीट्यूट से? स्वामी परमानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैंने भी जॉब करा था पंजाब में ही किया, चंडीगढ़ में कॉलेज टाइम से मैंने करा था। 18,000 सैलरी थी मेरी। कब छोड़ करके यहाँ आए? कॉलेज सर लॉकडाउन से पहले मैं काम कर रहा था। कितने समय से यहाँ ये दुकान चला रहे हैं? सर 13 मार्च को ओपन किया था मैंने, इसी से लगा चल रहा है। क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? सर भाई और बहनों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, जितना मैं सोचा है, तो उससे ज्यादा कहीं ना आगे निकल रहा हूँ। अभी मुझे कुछ डिमांड है, कोई पर्सन पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड पर्सन यहाँ पे चाहिए। अपनी तरह का व्यक्ति? सर अपनी तरह चाहिए। तो शिक्षा की भी कुछ बातें हैं? बिल्कुल सर, होती है। अब बच्चे लोग कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ सब्जेक्ट में बात प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट में पूछते हैं। मैक्सिमम बच्चे सर इंग्लिश में पूछते हैं, फिजिक्स में पूछ देते हैं, केमिस्ट्री में पूछ देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरे पास यूथ टॉपिक लेके आता है, तो % नेगेटिव होता है, परेशान होता है लाइफ से। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन वाला गया, बीटेक वाला भी आते हैं, पीएचडी होल्डर भी आते हैं, मेरे से कई गुना सीनियर लोग आते हैं, यार हम अपने लाइफ से बहुत परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या करें। हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारे जिंदगी चेंज कर दे, तो आईना देख लो, वो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। अनुराग को देखकर ऐसे छात्रों को प्रेरणा लेनी चाहिए। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, दरभंगा।